हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इंडिया फिट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में। आखिर क्या है ये डायबिटीज? क्या सिर्फ मीठा खाने से ही होता है डायबिटीज, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? अगर मीठा खाना छोड़ दिया जाए तो ये कितना सुनिश्चित है कि डायबिटीज नहीं होगा? तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके उन सभी सवालों के जवाब, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ होम रेमेडीज जो करेगी आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद। पर उसके लिए ये जरूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज छूट ना जाए। तो चलिए आज बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या है? पैनक्रियाज में जब इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम डायबिटीज की प्रॉब्लम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और वसा को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने की वजह से होता है? नहीं, डायबिटीज का मीठे से कोई सीधा संबंध नहीं है। डायबिटीज होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इरेगुलर डाइट, ओवर ईटिंग, जंक फूड और मैदे से बने बहुत सारे आइटम। ब्रिटिश जनरल के अध्ययन में पाया गया है जो लोग सफेद चावल खाते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्री डायबिटिक है तो जाग जाइए, क्योंकि सफेद चावल में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इसी के साथ सफेद ब्रेड सफेद आटे से बनी होती है जो कि रिफाइंड स्टार्च से भरी होती है। यह चीनी की तरह काम करती है और बहुत जल्दी पच जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि मैदे और मैदे से बनी वस्तुओं में 73.9% का स्टार्च होता है, जबकि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा कम होती है। मैदे से बनी कोई भी वस्तु डायबिटीज के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे कब्ज की शिकायत बढ़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में। मेथी के दाने शुगर में बहुत फायदेमंद है और हम इसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि एक चम्मच मेथी का दाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ निगल लें। दूसरा तरीका, एक चम्मच मेथी के दाने को रात में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट भिगोए हुए पानी के साथ आप उसे निगल लें। तीसरा तरीका, अगर आप चाहें तो उसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे लेना है इसे? 100 ग्राम मेथी के दाने को आप उसे मिक्सर में पीस लें। पीसने के बाद कंटेनर में फिल कर लें और उसके बाद डेली सुबह एक चम्मच मेथी पाउडर आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कड़वा होगा ये भिगोए हुए के मुकाबले, लेकिन अगर आप भिगोया हुआ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है। नंबर 2 पे है आंवला। आंवला हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है और उतना ही बड़ा काम ये डायबिटीज में भी करता है। आंवले के रस में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, यह डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए इसको रोजाना 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर पीने से डायबिटीज कंट्रोल आ सकता है। यह प्रक्रिया आपको सुबह खाली पेट करनी है। नंबर 3 पे है तुलसी। तुलसी की पत्तियों में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग और एंटी फंगल तत्व पाए जाते हैं। इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कई ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती है। सुबह खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाने या इसका रस पीने से ब्लड शुगर में कंट्रोल होता है। नंबर 4 पर है ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन भी डायबिटीज के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें उच्च मात्रा में पॉलीफिनॉल पाया जाता है। यह एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 5 पर है जामुन। जामुन का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत फायदा है, साथ के साथ ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है। जामुन पर काला नमक लगाकर खाएं।
अगर नहीं खा सकते हैं तो उसकी गुठली को सुखाकर रख लें, उसका चूर्ण बनाएं, रोजाना सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। यह डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।